ये डिसीजन जो डिलिमिटेशन का था, ये जल्दबाजी की जगह ये ज़्यादातर पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू किया गया है। इसमें जो जितने भी वार्ड्स हैं उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि बीजेपी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो जब डिलिमिटेशन डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफाई की, तो उसी वक्त जो है मैंने अपने वार्ड को लेके ऑब्जेक्शन फाइल किए उनके ऑफिस में, जिसमें मैंने ये कहा कि मेरा जो वार्ड है एक ऑलरेडी छोटा वार्ड है और उस छोटे वार्ड को लगभग 40% एरिया कट करके, पॉपुलेशन कट करके उन्होंने अबटिंग जो वार्ड है फागली में उसमें ऐड कर दिया है। तो मेरी जो वो ऑब्जेक्शन थी उसको कंसिडर नहीं किया गया और रादर उन्होंने क्या किया कि वो जो एरिया कट आउट किया था उसका भी हाफ पोर्शन जो है वो टूटीकंडी वार्ड में डाल दिया। तो उसके अगेंस्ट मैंने अपील फाइल करी इनके डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में और वहाँ पे भी जो है मेरे ऑब्जेक्शंस और अपील को उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। फिर मुझे मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय में रिट पटिशन फाइल करनी पड़ी और न्यायालय ने भी ये माना है कि जो डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस जो फॉलो किया है वो कम्प्लीटली जो जितने भी MC एक्ट और रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं और उन्होंने इनको ऑर्डर किया है कि इस डिलिमिटेशन को वापस रिकंसिडर करके एज पर एक्ट एंड रूल्स किया जाए। क्या? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो इनका एक्ट एंड रूल्स कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत इन लोगों ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। प्रोसीजर किया ही नहीं है फॉलो। प्रोसीजर कहता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है ही इज़ द वन जो आपकी अपना इसकी फाइंडिंग्स भी करेगा और वो कम्प्लीटली ही वॉज डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ SDM जो बिल्कुल इलीगल एक मेथड फॉलो किया है इसमें। और डेफिनेटली ये सिटिंग गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको बैकफुट पे लाने के लिए किया गया। बिल्कुल जी, मैं कोर्ट की डिसीजन हमारे बिल्कुल सारा को पे है, बिल्कुल सही डिसीजन कोर्ट ने आज लिया है और इनकी जो एक जो चाल थी वो सबके सामने आ गई है और सच्चाई की जो जीत हुई डेफिनेटली की हुई होगी। बिल्कुल, जो जितने भी डिलिमिटेशन है अगर आप बाकी काउंसलर से भी बात करेंगे वो भले ही पेटिशन के फॉर्म में हाईकोर्ट के सामने नहीं आई है पर सबसे काउंसलर को यही कंप्लेंट है कि उनके वार्ड के साथ जो छेड़छाड़ करी गई है वो ठीक तरीके से नहीं की गई। मेरी जो पेटिशन थी वो थी कम्प्लीटली ऑन डिलिमिटेशन ऑफ माई वार्ड और रिजर्वेशन रोस्टर मेरी पिटीशन का पार्ट नहीं था और उसको चैलेंज किया था किसी सज्जन ने और वो तो डिसमिस हो गई है पिटीशन। तो रोस्टर से लेके मेरी कोई भी ग्रीवेंस नहीं थी, मेरी सिर्फ डिलिमिटेशन को लेके और उसको प्रोसेस को जो फॉलो किया है, इलीगैलिटीज जो की है अधिकारियों ने उसको लेके मेरी पिटीशन थी। अभी आपका अभी आने दो डिलिमिटेशन, नेक्स्ट क्या वो करते हैं हमारे वार्ड को लेके फिर उसको देखते हैं किस तरीके से देते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि क्या ऑब्जेक्शन हम आगे फाइल करें।